माय नेम इज नवीन शर्मा एंड आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूं, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। सो मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। बिफोर वी स्टार्ट, तो हम सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग में जब भी हमको काम स्टार्ट करना है तो कंटेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। कंटेंट के थ्रू आप अपने यूजर को एंगेज करा सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड, और इस आज की जनरेशन में कंटेंट फर्स्ट वर्ड में हम रह रहे हैं। कोई भी यूजर जिसने ऑनलाइन कोई भी परचेज करनी या कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, वो उससे पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है बिफोर मेकिंग एनी परचेज। आपको जरूरी नहीं है कि जो आप कंटेंट आप अपने यूजर के साथ शेयर कर रहे हो वो टेक्स्ट फॉर्म में ही शेयर करो, आपके पास बहुत ज्यादा तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को कंटेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप वीडियो के थ्रू कंटेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट के थ्रू कर सकते हो या फिर इंफोग्राफिक के थ्रू। आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पे है और वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करती है। अगर कोई लोग रीडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और आप उनको टेक्स्ट में कंटेंट अप्रोच करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि वो यूजर आपके कन्वर्ट होंगे और आपको जो भी आपने उनसे फाइनल गोल करवाना है वो उसको परफॉर्म करेंगे। जब भी हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं हमको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि हमको यूजर को डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमारे पहले यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी है जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट या जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसके साथ एंगेज करें, और उसके बाद हम यूजर को जो भी उससे फाइनल गोल अचीव कराना चाहते हैं उसके लिए यूजर को मोटिवेट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉगिंग। फर्स्ट टेक्निक जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ जो कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में जब भी आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, टारगेट करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट मत टारगेट कीजिए। फॉर एग्जांपल आप एसईओ सर्विस बेचना चाह रहे हैं और आप ब्लॉग्स लिखते हैं इससे रिलेटेड, अगर आप डायरेक्ट एसईओ सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखेंगे तो बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि यूजर वहां से आपका कन्वर्ट होएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट उनके फेस पे सर्विसेज थोप रहे हो। पर इसके बजाय अगर जो रियल टाइम यूजर की प्रॉब्लम है आप उनको कन्वे करो थ्रू ब्लॉगिंग, तो वहां से आपके जो चांसेस है यूजर कन्वर्जन के वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूजर ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है तो जो उसकी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस रहेंगे जो वो इंटरनेट पे सर्च करेगा वो इस टाइप के होंगे, व्हाई टू स्टार्ट बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन एंड हाउ ऑनलाइन बिजनेस कैन हेल्प योर ब्रांड और बिजनेस। तो आपको क्या चाहिए कि जो इस तरह की क्वेरीज है वो आप पहले टारगेट करो थ्रू ब्लॉगिंग। जब आप इन क्वेरीज पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराने लग जाओगे तो जो यूजर है उसका आपके ब्रांड के साथ ट्रस्ट ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपने पहले उस यूजर को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आप बिजनेस ऑनलाइन ले जाते हो तो आपके बिजनेस को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वहां पे जो यूजर है उनको आपकी वेबसाइट पे ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी। इसके अलावा जब भी हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट करना है। कीवर्ड रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है आपके ऑनलाइन कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। आप पहले ये चीज देखना चाहोगे कि आपकी निश से रिलेटेड लोग किन चीजों को ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जब उनको पता लगेगा कि जब आपको ये चीज पता लगेगा कि लोग किस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप यूजर को इजीली टारगेट कर सकोगे, और इस तरह के कंटेंट में आप अपनी सर्विस या फिर प्रोडक्ट्स को भी इजीली टारगेट कर सकते हो। और जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि जो आपका वेबसाइट पे कंटेंट है उसको आप रेगुलरली अपडेट करते रहो। जो कंटेंट आउटडेटेड हो जाता है उसकी यूजर के लिए भी उसका बेनिफिट कम हो जाता है और जो सर्च इंजन होते हैं वो भी उस कंटेंट को उतना अथॉरिटी नहीं देते, तो वो कीवर्ड वो कंटेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करते ऑनलाइन वर्ल्ड में। आपको हमेशा से ये रखना है कि जो आपका कंटेंट है
वेबसाइट पे वो हमेशा से अप टू डेट रहे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टेक्निक की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कंटेंट वीडियो मार्केटिंग। आप लोगों को ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में हर लोग वीडियो कंटेंट को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है, स्पेशली ये कोविड सिचुएशन के बाद जितने भी वीडियो की कंजम्पशन है ओवरऑल द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हुई है। सिर्फ और सिर्फ लाइव वीडियो ही लास्ट ईयर में 99% इंक्रीज हुई है, और जो यूट्यूब है वो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर गूगल। तो इससे आप ये चीज समझ सकते हो कि यूट्यूब पे वीडियो की बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, तो जो वीडियो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो 94% मार्केटर्स है उन्होंने ये चीज नोटिस करी हुई है कि जब वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को वीडियो के थ्रू यूजर को कन्वे करते हैं तो यूजर बहुत ज्यादा जल्दी वो इंफॉर्मेशन अडेप्ट कर लेता है और उनकी जो ओवरऑल सेल्स या फिर इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाह रहे हो तो जब तक कस्टमर को वो चीज समझ नहीं आ रही है कि प्रोडक्ट एक्चुअल में करता क्या है और उससे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, तब तक यूजर उस आपके प्रोडक्ट को बाय या परचेज नहीं करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपने जो प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसकी वर्किंग वीडियो बना सकते हो ताकि यूजर्स को समझ आ जाए कि ये वीडियोस किस चीज के बारे में, आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में करता क्या है। और जो वीडियोस है वो आप बहुत मल्टीपल वे से प्रमोट कर सकते हो और एंगेजमेंट अपनी वेबसाइट पे या अपने प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज कर सकते हो। सोशल मीडिया स्टोरीज क्विक एंड चीप वे है जिसके थ्रू आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर या टूल की जरूरत नहीं पड़ती और मैक्सिमम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है आज की डेट में स्टोरीज को स्टोरीज वाला सेक्शन सब में अवेलेबल है। उसके अलावा आप लाइव वीडियोस भी शेयर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू फेसबुक लाइव वीडियोस की जो इंटरेक्शन होती है वो 6 times हायर होती है एक नॉर्मल वीडियोस के अकॉर्डिंग। तो अगर जब भी आप अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हो तो लाइव वीडियो एक बहुत अच्छा मेथड है आपको अपने ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए। उसके अलावा आप वेबिनार्स भी कंडक्ट कर सकते हो। वेबिनार में आप डायरेक्ट अपना जो पोटेंशियल कस्टमर है उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, उनकी क्वेरीज को आंसर कर सकते हो और अपने आप को एज एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर सकते हो अपनी निश में। और जो वीडियो का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा शेयरेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर कंटेंट फॉर्म लाइक बेसिक टेक्स्ट कंटेंट या फिर इमेजेस या फिर पीडीएफ्स। वीडियो ज्यादा शेयर होती है हर प्लेटफॉर्म में, चाहे वो आप फेसबुक लगा ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, चाहे कोई भी और प्लेटफॉर्म। जो नेक्स्ट में अब आपसे बात करना चाहूंगा वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज की डेट में सभी लोगों को ये पता होगा कि जितने भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं या स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो सोशल मीडिया पे सबसे इजीली आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप सोशल मीडिया पे काम कैसे स्टार्ट करें। तो जो मेरी एडवाइस रहेगी उसमें आप उसके अकॉर्डिंग आप एक साथ पे मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ना टारगेट करें, क्योंकि अगर आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक साथ टारगेट करेंगे तो आपका जो बहुत ज्यादा टाइम है वो मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट होएगा। और जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब में जो ऑडियंस है वो अलग अलग तरह की है। फेसबुक पे बहुत ज्यादा जनरल लोग यूज करते हैं, वहीं पे लिंक्डइन पे ज्यादा B2B बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं। तो जो ऑडियंस आपको फेसबुक पे मिल रही है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है लिंक्डइन से। तो जब भी आप सोशल मीडिया स्टार्ट कर रहे हो अपने ब्रांड के लिए या बिजनेस के लिए तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस चैनल पे है, फिर आप उस चैनल पे काम स्टार्ट करोगे। और
सोशल मीडिया में आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करने, आपको लॉयल फॉलोअर्स क्रिएट करने। अगर आप अपना एक फेसबुक का पेज क्रिएट करते हो जिसपे 10,000 आपने फॉलोअर्स क्रिएट करे है, पर उसमें से 8 से 9 हजार जो फॉलोअर्स है वो आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे जो आप पोस्ट शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो जो आपके पेज की परफॉर्मेंस है वो फेसबुक के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम आपके कस्टमर है, फॉलोअर्स है, वो आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आपको कम फॉलोअर्स बनाने पर लॉयल फॉलोअर्स बनाने जो आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्शन करे। जितनी आपके कंटेंट की इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतना ही आपका जो कंटेंट है वो अच्छा परफॉर्म करेगा सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया के में एक जो सिंपल चीज आपके लिए रहती है वो ये कि आप यूजर से इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो। आप यूजर आपके पेज पे जाके जो भी उनकी क्वेरी होगी आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड वो कमेंट कर सकता है, आप वहां पे उससे रिस्पॉन्स कर सकते हो, जिसकी वजह से जो यूजर के माइंड में आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए लॉयल्टी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है पेड एड्स। कभी भी जो लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाह रहे हैं उनको कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम पे पेड एड्स पे काम करना ही पड़ता है ब्रांड को इंक्रीज करने के लिए। जब भी आप पेड एड्स स्टार्ट कर रहे हो आपको दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है और आपका एड बजट कितना ज्यादा है। अगर आपको मैं एक सिंपल जनरल स्टैट्स दिखाऊं तो गूगल एड्स पे एक एडवर्टाइजमेंट के मिनिमम $2.5 चार्ज करता है गूगल, और फेसबुक एक एड्स के लिए $1.5 चार्ज करता है, और वहीं पे इंस्टाग्राम एक एड के लिए अराउंड $1 चार्ज करता है। तो जितना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म होएगा जिसपे एडवर्टाइजर ज्यादा होंगे उतना ही आपकी जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा रहेगी। तो जब भी आप एड चलाना चाह रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आप लेस पॉपुलर जो एड प्लेटफॉर्म है वहां पे भी अपनी एड्स चलाओ, क्योंकि जितना कम पॉपुलर एड नेटवर्क होगा वहां पे यूजर उतने ज्यादा कम होंगे, और जिसकी वजह से जो आपकी एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो भी कम रहेगा। और जब भी आप पेड एड्स चला रहे हो तो आपको कीवर्ड्स जो आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपको हमेशा से ये ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड्स है उनकी कॉस्ट पर क्लिक बहुत कम रहे। अभी एक नेक्स्ट सेशन मिस्टर केविन आपको गूगल एड्स के बारे में देंगे तो वहां पे आपको वो डिटेल में कीवर्ड्स टारगेटिंग के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं अपनी प्रेजेंटेशन में कवर करना चाहता हूँ और जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है बिजनेस के लिए पर ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते वो है फॉर्म्स एंड कम्युनिटी बोर्ड्स। जो ग्रुप्स होते हैं बने हुए सोशल मीडिया चैनल्स पे या फिर कुछ स्पेशल वेबसाइट्स रहती है जहाँ पे कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, जैसे क्वेरा हो गया, रेडिट हो गया, यहाँ पे जो भी लोग है वो अपनी रियल टाइम पे जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो यूजर्स है उनका बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो कन्वर्ट हो जाए और आपके सर्विस को परचेज कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा ग्रुप्स है, अगर वहां पे कोई ये क्वेश्चन कर रहा है हाउ टू इंक्रीज माई वेबसाइट ट्रैफिक और वहां पे आप डायरेक्टली अपनी सर्विस वहां पे प्रमोट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि वो आपके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहेगा। पर इंस्टेड कि आप उसको डायरेक्टली सर्विस सेल करने के बजाय उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि आप क्या चीज कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक इंप्रूव हो, उसको आप कोई जनरल सजेशन दे सकते हो, तो जो वो कस्टमर है उसका आप पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको सिर्फ लिंक नहीं पोस्ट करने हैं ग्रुप्स में, क्योंकि ग्रुप्स में जो लोग है वो लर्निंग परस्पेक्टिव से आते हैं, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन देनी है अपने यूजर को। जितनी आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर करोगे, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना जो आपका रिलेशन है वो यूजर्स के साथ ज्यादा इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से आपकी अथॉरिटी आपकी निश में बहुत अच्छी बन जाएगी। और जो यूजर है अगर कभी उसको आप सर्विस लेनी भी है या प्रोडक्ट परचेज करना भी है तो वो आपके ही प्रोडक्ट या
सर्विस को प्रेफर करेगा क्योंकि आपने पहले उसकी हेल्प कर रखी है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. थैंक यू.